मैथ्स में मतलब हाँ जी बोलिए मैम, इंग्लिश और मैथ्स में इसके बाद क्या करना है मैम? ये आपको डेली बेसिस पे सिलेबस कराना है, लाइक मंडे को आपने पैटर्न कराया, ट्यूसडे को आपने अगेन पैटर्न कराया, वेडनेसडे को आपने इंग्लिश कराई, तो अब ये बुक सेट्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो जैसे हमारे बुक सेट्स है उसमें वीकली प्लान भी मिलता है, ठीक है? अब आप कहोगे मैम इसमें क्या कराना है, आपका ये डाउट है कि इसमें क्या करवाना है या फिर रोज आपको एक सब्जेक्ट लेना है, मतलब काइंड ऑफ रोज एक सब्जेक्ट लोगे, ठीक है? अच्छा, डेली बेसिस पे आपको ये कंटेंट लेना है, सब्जेक्ट्स लेने हैं, ये सब कराना है, लंच कराना है, फिर प्ले कराना है, देन ये एक्टिविटी करानी है, और लास्ट में डेली बेसिस पे ओरल लेना है। अब आपको मैं बता दूं मैम, ये 11:30 से लेकर एक्टिविटी 12:20 तक यही मिस करते हैं काफी स्कूल्स वाले। प्रेयर्स भी सब लोग करा लेते हैं, लिखना भी सब कुछ करा लेते हैं, लंच भी हो जाता है, प्ले हो जाता है, ये यहाँ पर आके कई लोग रुक जाते हैं। और कभी कभार आपने डांस कराया, एक्टिविटी कराई, इसको सीरियसली नहीं लेते, और कभी कभार हमने 2-3 हफ्ते में ओरल करा लिया। यही गलती करते हैं जो और स्कूल्स वाले होते हैं। अगर आप भी ये ऑलरेडी कर रहे हो कि आपका ऑलरेडी स्कूल चल गया है, आपने एडवांस कोर्स मैनेजमेंट में एनरोल कराया है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट की जो ये 2 एक्टिविटी है इसको आप जरूर जरूर करवाइए। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको इन दोनों एक्टिविटी में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए। यस क्वेश्चंस मैम, योगा एरोबिक्स तो ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या कराना है मैम? ओके मैम, देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने आपको जो अभी पीडीएफ दी है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये मैंने आपको पीडीएफ दी है, ये देखो ये सारे आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे थंब पेंटिंग है, बटन पेंटिंग है, ये हम हमने एंटिटी पार्ट में करवाते हैं, कॉटन पेंटिंग है, वेजिटेबल पेंटिंग है, बिंदी पेंटिंग है, ये सब एक्टिविटी आप कराओगे आर्ट एंड क्राफ्ट। स्पॉन्ज पेंटिंग है, थर्माकोल पेंटिंग है। यस मैम, वो क्या पीजी और नर्सरी दोनों का है मैम? ये पीजी से लेकर आप यूकेजी तक करा सकते, ठीक है? ठीक है मैम, पीजी से लेकर आप यूकेजी तक ये करा सकते, ठीक है? ओके मैम, ठीक है मैम। ओके, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और अगर आप एंटिटी वगैरह में भी एनरोल कराना चाहते हैं तो उसमें हम डिटेलिंग बताते हैं, फाइल बनवाते हैं प्रॉपरली, इसको कैसे करवाना है ये सब चीज हम करवाते हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए कि इस टाइम टेबल में कोई डाउट है आपका? नहीं मैम। मैम आपको आज मैं प्ले ग्रुप और नर्सरी का टाइम टेबल और एलकेजी एंड यूकेजी का टाइम टेबल भी दे दूंगी। आप कहोगे मैम इसमें एलकेजी यूकेजी के हिसाब से हिंदी नहीं है, बस एलकेजी यूकेजी में यहाँ पे हिंदी ऐड हो जाएगी, जैसे 2 बार पैटर्न है ना, तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश हो जाएगी। एलकेजी में पैटर्न तो आएगा नहीं, ऑलरेडी बच्चा नर्सरी में सीख लेगा, तो यहाँ पे आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश को 2 बार कर सकते हैं या मैथ्स को 2 बार कर सकते हैं, बस ये डिफरेंस होगा, बाकी सारा टाइम टेबल एक जैसा है एलकेजी एंड यूकेजी का भी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है कि आप कहोगे मैम प्रेयर है, लंच है, प्ले है, क्या हम अलग अलग कराएं, एक साथ सारे बच्चों को कराएं? तो आपको पता होगा प्ले प्रेयर एक साथ होगी, लंच एक साथ होगा, प्ले एक साथ होगा, और ये वाली एक्टिविटी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ये भी एक साथ होगी, ठीक है मैम? ये भी एक साथ होगी आपकी। बस ओरल अपनी अपनी क्लास में होगा, रिटर्न अपनी अपनी क्लास में होगा, ये अपनी अपनी क्लास में होगा, ठीक है? बाकी जो है बच्चे मिलकर करें, ज्यादा एंजॉय करते हैं मिलकर, बच्चों को फन लर्निंग होता है, तो प्रेयर हम एक टीम वर्क में कराते हैं, लंच हमें मिलकर कराना चाहिए, अदरवाइज अपनी क्लास में करा सकते हैं, ऑप्शनल है, प्ले हम मिलकर कराएं ताकि गैदरिंग में बच्चे ज्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे क्वेश्चन आया था मेरे पास मैम प्ले हम अलग अलग क्लासेस है कैसे करवाएं, तो प्ले तो आप एक साथ करवाइए ताकि बच्चों को मजा भी आए एक साथ ग्रुपिंग में खेलने में, ठीक है? तो ये हमने टाइम टेबल पार्ट 8 डिस्कस किया है, कोई डाउट है तो बताओ। यस मैम। नहीं मैम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उन लोगों को ना मैम क्या प्रॉब्लम होता है, मैं प्रेयर जब करवाती हूँ, मैं तो ढाई महीने से करवा रही हूँ उन लोगों को प्रेयर, प्रेयर में क्या प्रॉब्लम होता है उन लोगों को ना, मतलब मैं एक जगह पे ला नहीं पाती हूँ, वो लोग खेलने लग जाते हैं, नहीं तो कोई सो रहे होते हैं, कोई हो रहे होते हैं, कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं है, मतलब वो नहीं हो रहा है अभी तक, मतलब करना ही होगा, वो नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को।
देखिए मैम, छोटे बच्चों में ऐसा होता है, लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ठीक नहीं हो रही है चीजें, तो यू शुड वर्क ऑन दैट ना, कि बच्चों को बोलो कि आप पेरेंट्स से बोलो टाइम से बच्चों को सुलाएं, बच्चों को, बच्चा नींद में होता है मॉर्निंग में, अच्छे से एक्टिव करके लेके आए, ठीक है ना। ये तो पेरेंट्स की जॉब है ज्यादा, तो पेरेंट्स को बोलो कि बच्चों को आप टाइम से सुलाओ, बच्चा वरना स्कूल में सोता है, मॉर्निंग में सोता है, प्रेयर मॉर्निंग में वेरी फर्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है। तो वो चीजें आप पेरेंट्स से बात करें, कंसर्न करें, दे विल कोऑर्डिनेट विद यू। ओके मैम, टाइम टेबल क्लियर हुआ आपको? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्या आप पहले इस तरह का टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे? नहीं, अभी तक तो नहीं फॉलो किया एक्चुअली. मैं अप्रैल के 1 से मैं उन लोगों का राइटिंग सेक्शन शुरू किया है मैंने. ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट को मैंने 7-8 को मैंने उन लोगों का स्पोर्ट्स डे रखा है, थोड़ा स्पोर्ट्स करवाऊंगी. इसके बाद एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा है, वो करके हम लोगों के मतलब असम में तो बिहू है ना, तो बिहू रमजान वो सब लेके मैंने एक वीक 1 वीक का वेकेशन दिया है. इसके बाद तो से मैं कैसा अच्छी लगा तरह आपको ये टाइम टेबल? कैसा लगा है, आपने देखा है, सीखा है, कैसा लगा आपको? इंटरेस्टिंग लगा टाइम टेबल? हाँ फॉलो हाँ करना बहुत चाहेंगे अच्छा अपने लगा. स्कूल में? हाँ डेफिनेटली मैं फॉलो करना चाहूँ. बिल्कुल मैम, ठीक है। तो